और जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि यार आपको कैसे पता है जेल ब्रेक 10.0, एनी क्लू क्लू मैंने दे दिया, इस वीडियो को कंप्लीट देखो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ज़ैद कुरैशी, वेलकम बैक टू द वीडियो, यू वाचिंग टेक रूट YT चैनल। एक क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज्यादा मेरी वीडियोज के ऊपर व्यूवर्स आके मुझसे पूछते हैं, सर हमें बताया जाए PS4 10.0 फर्मवेयर पे जेल ब्रेक कब आएगा। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन कुछ व्यूवर्स जो हैं मुझसे आके पूछते हैं, भाई आपके पास क्या क्लू है, आपको कैसे पता है कि जेल ब्रेक 10.0 फर्मवेयर पे आने वाला है। तो यार यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन में आपको बता दूँ चीज़, आपने कमेंट्स में खुद आके इसका मुझे भी जवाब देना है, मैं आपसे अब जवाब चाहूँगा। 10.0 फर्मवेयर के लिए गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक को बनाया गया था, 9.0 फर्मवेयर जेल ब्रेक के ऊपर वो किस तरह से चल रही है सिर्फ मुझे ये बता दो आप लोग। सीधी सी बात है, 10.0 फर्मवेयर का जेल ब्रेक भी इस वक्त डेवलपर्स ने बना लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कंपनी ने डील कर लिया है डेवलपर्स के साथ ताकि उनकी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक जो DVD है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अगर 10.0 फर्मवेयर के ऊपर भी जेल ब्रेक वो आउट कर देते हैं डेवलपर्स, तो कंपनी को गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक जो उन्होंने बनाई है बहुत ज़्यादा लॉस होगा। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक गेम बनाने के लिए उस पर बजट कितना ज़्यादा आता है। अगर GTA V की ही बात करें तो 300 से 400 मिलियन USD उसके ऊपर बजट आया था, और अगर RDR2 रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करूं तो 1 बिलियन USD तक उसके ऊपर बजट आया था। मैंने भी इस वक्त ये 10.0 फर्मवेयर के ऊपर PS4 को बाय किया है सिर्फ इसलिए कि मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकूं, जब जेल ब्रेक आए तो फ़ौरन से आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आप 10.0 फर्मवेयर पे जेल ब्रेक को किस तरह से कर सकते हो। तो यार यहाँ पर आपको बताऊँ, कंपनी ने जो डेवलपर्स के साथ सेटलमेंट किया है ताकि उनकी गॉड ऑफ वार रैग्नारोक ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए और उनको नुकसान ना हो, जो ही कंपनी ने इनफ प्रॉफिट उठा लिया अपनी रैग्नारोक गॉड ऑफ वार गेम से, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही आउट करवा देना है जेल ब्रेक PS4 का 10.0 फर्मवेयर पर। आपको शायद पता ना हो, बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा लेकिन बहुत सारों को नहीं भी पता होगा, ये जो जेल ब्रेक आउट करवाया जाता है ये कंपनी की अपनी मोनोपोली होती है ताकि उनका बिजनेस एक्सटेंड करे। अब सोनी एक्सबॉक्स सीरीज से हमेशा ऊपर क्यों रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने PS4 का जेल ब्रेक जो है खुद ही आउट करवाया था कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स साहब जो हैं उनको पता नहीं, शायद पायरेसी से वैसे ही चिढ़ है, इस वजह से उनके पास पैसा ही इतना है कि उन्होंने ऐसा कोई भी कोड डेवलपर्स को प्रोवाइड नहीं किया जिसकी वजह से एक्सबॉक्स सीरीज एक्सबॉक्स 360 के बाद कोई भी कंसोल जे टैग या जेल ब्रेक नहीं हो पाया। और आप खुद देख सकते हैं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है एक्सबॉक्स सीरीज को बाय करने के लिए। इसके यूनिट्स 120 मिलियन किस तरह से सेल हुए हैं, रीज़न यही है कि सोनी जो है वो डिवेलपर्स को कोड्स प्रोवाइड कर देता है जेल ब्रेक के लिए। तो अन करीब जूँ ही गॉड ऑफ वार रैग्नारोक की DVD ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो गई और कंपनी ने इनफ प्रॉफिट जो है बना लिया इस गेम से, तो फ़ौरन से आपको मार्केट में नज़र आएगा PS4 का जेल ब्रेक, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। असल में कंपनी खुद ही कोड्स प्रोवाइड करती है डेवलपर को ताकि जेल ब्रेक आउट हो जाए और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। आई होप आप लोगों को क्विक सी वीडियो की समझ आ गई होगी। और जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि यार आपको कैसे पता है जेल ब्रेक 10.0, एनी क्लू क्लू मैंने दे दिया, इस वीडियो को कंप्लीट देखो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। कोई भी जेल ब्रेक ऐसा नहीं होता कि 1 से 1.5 साल तक ना आए। 9.0 फर्मवेयर के ऊपर जेल ब्रेक को आए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, तो अब बहुत जल्द आपको नज़र आने वाला है 10.0 फर्मवेयर का जेल ब्रेक भी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह और वीडियोस को देखने के लिए मैं चैनल को करो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।